मन क्या है, मन उभयेंद्रिय भी है। दूसरा न्याय सूत्र में कही श्यान भाष्य के प्रथम आहनी के प्रथम सूत्र की व्याख्या के क्रम में महर्षि वात्स्यायन कहते हैं, सर्व विषय अंतःकरणम मनः, सब विषयों को ग्रहण करने वाला आंतरिक करण, करण कहते हैं साधन को, उसे मन कहते हैं। वैसे मन शब्द को योग में चित्त शब्द से पुकारा गया है। जहां कहीं पर भी योग कथा के क्रम में हम मन बोले या बुद्धि बोले या चित्त बोले, सभी का अर्थ हमें मन ही लेना है, या अंतःकरण कहेंगे तब भी इसका अर्थ हमें मन ही लेना है या चित्त ही लेना है। इसे को कोश भी कहा है और ये भी कहा है कि प्रख्या आदि गुणों से युक्त है, और इसके अलग अलग पांच अवस्थाएं बताई गई है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, और इसको त्रिगुणात्मक कहा गया है, सत्व रजस और तमस से निर्मित। इस प्रकार जो मन होता है वह भी सुख दुख का ज्ञान कराने में साधन बनता है। बल्कि मित्रों एक बात और स्पष्ट रूप में समझ लीजिए कि मन ही मुख्य रूप में भूमिका निभा रहा होता है हमें सुखी या दुखी बनाने के लिए। इसीलिए कह दिया गया कि मनैव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, उपनिषद में भी आया है, और अमनस्क योग नामक एक ग्रंथ है उसके दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भी यह बात आई हुई है कि मन ही बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। इसको ऐसा ले सकते हैं कि मन ही सुख का भी कारण है और मन ही दुख का भी कारण है। और इस मन को बड़े सुंदर ढंग से योग सूत्र के व्यास भाष्य में महर्षि व्यास परिभाषित करते हैं, जो है प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम, अर्थात प्रकाशशील, क्रियाशील और जड़ता के स्वभाव वाला होने से चित्त त्रिगुणात्मक होता है। चित्त में हमेशा तीनों गुण रहते हैं, लेकिन तीनों गुण होने पर भी सत्व की प्रधानता सर्वाधिक होती है, इसलिए चित्त को प्रख्या रूप भी कहा गया है।